या पूरी तरह उसी धुन में गा रहा है, आपको क्या लगता है कि विवेक की आवाज कहाँ है इस पहलू, इस सवाल पर? मैं नहीं जानता कि विवेक की आवाज कहाँ है, और बहुत कमजोर है, सुनाई नहीं पड़ रही है, लोग भूल चुके हैं कि एक मस्जिद थी, सारे लोग कह रहे हैं कि मंदिर बनाया जाना चाहिए, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर कह सके कि एक मस्जिद थी जो हमारी आंख के आगे गिरा दी गई, असल मसला है उसको फिर से बनाने का। हिंदुओं को इस पर विचार करना चाहिए कि यह बात खुद उन अधिकारियों ने कही जिन्होंने 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई थी। उन्होंने कहा कि हमने चोरी छिपे मूर्ति रखवाई थी, सब ने कहा कि हमने बेईमानी की। लाल कृष्ण आडवाणी ने कह दिया कि यह दरअसल धार्मिक अभियान में कर ही नहीं रहा था, यह एक राजनीतिक अभियान था। कल्याण सिंह ने कह दिया कि मैं झूठ बोला था, सब ने कह दिया। तो इसका मतलब बेईमानी, चोरी, झूठ, इसके आधार पर आप एक दूसरे व्यक्ति के, एक दूसरे धर्म के मानने वालों का धर्म स्थल छीन कर और वहां राम मंदिर बनाना चाहते हैं। यह आपका विवेक है, यह आपका धर्म है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप जरा क्या समझते हैं? बिल्कुल।